अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डेनमार्क या नॉर्वे, कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर है? कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों मुल्कों की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना होगा। दोनों मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस मुल्क में ज़्यादा है, ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड हाई किसका है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मुल्क जो है वो ज़्यादा है, मिनिमम सैलरी रेट किस मुल्क का जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो इन तमाम चीज़ों का आपने तजिया करना है तो आपको ये वाजे होगा कि दोनों में से कौन सा मुल्क ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेनमार्क या नॉर्वे दोनों में से कौन सा मुल्क जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए। यहाँ पर दोस्तों बताता चलूँ कि दोनों मुल्क की अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। अगर दोनों मालक का अगर लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाए तो वो काफ़ी बेहतर है। इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शंस तकरीबन दोनों मालक में सेम है। और अगर ओवरऑल देखा जाए प्रोडक्टिव लिहाज से तो नॉर्वे जो है वो बेटर देन डेनमार्क है। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से देखा जाए तो वो भी नॉर्वे में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कम्पेयर टू डेनमार्क। इस वजह से ओवरऑल अगर आप तमाम चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि नॉर्वे जो है वो बहुत ही अच्छा मुल्क है अगर आप कंपेयर करेंगे डेनमार्क के साथ। इसी तरह दूसरे मालिक के साथ भी अगर शेंजन स्टेट्स के यूरोपीय यूनियन के मालिक के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर इसको बीट कर रहा है तो वो कर रहा है जर्मनी। ओवरऑल नॉर्वे जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेहतर पे के लिहाज से, लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से है। तो इस वजह से डेनमार्क की निस्बत नॉर्वे में आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। वहाँ पे जॉब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से अर्निंग पॉइंट व्यू से भी आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं वहाँ पे अर्निंग करने के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।